नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है इसका इन्वेंशन जो है, यानी कि ये जो थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा आया और ब्रिटिश में जो क्राउन होते थे दोस्तों, उनकी प्लेजर के ऊपर में ही जो सिविल सर्वेंट थे वो काम करते थे, ऐसा माना जाता था। यानी कि जो भी सिविल सर्वेंट है वो क्राउन की मर्जी पे काम करते थे, यानी कि किसी भी तरह की सिविल सर्वेंट को कोई लिबर्टी नहीं थी। अगर क्राउन चाहे तो उनको रख सकता है, उनको नौकरी से हटा सकता है, किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की उनको हटाते समय उनकी सुनने की जरूरत नहीं, उनके अगर कोई फंड्स वगैरह है तो उनको भी रोका जा सकता है। यानी कि सिविल सर्वेंट के ऊपर में किसी भी तरह का कोई भी जो है कानून ऐसा लागू नहीं होता जो कि वो अपने अधिकार की बात कर सके। क्राउन की प्लेजर यानी क्राउन की इच्छा और खुशी के ऊपर जो है सिविल सर्वेंट की नौकरी निर्धारित या नौकरी निर्भर होती थी। सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड नहीं होता था, वो क्राउन की इच्छा तक ही वो सर्विस करता था। अगर क्राउन की इच्छा नहीं है या क्राउन के मन में वो नहीं भा रहा तो उसको निकाला जा सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्राउन के समय में दोस्तों। लेकिन भारत में इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा कोई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं है, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 310 में प्रेसिडेंट जो है वो सिविल सर्वेंट के हेड होते हैं, जिसमें से आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और इस तरह के जो उच्च अधिकारी हैं वो डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट की दया पे कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके तहत भी 311 का जो आर्टिकल है उसमें कुछ ऐसे एग्जम्पशन यानी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिसके तहत में अगर उनको भी हटाया जाता है तो उसके ऊपर में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसके तहत ही किसी को हटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो पद हैं इनको किसी भी तरह से राष्ट्रपति महोदय नहीं हटा सकते। ये किसी भी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के तहत नहीं आते, इनके ऊपर में कोई ऐसा कानून लागू नहीं होता जो इनको हटाया जा सके डायरेक्टली राष्ट्रपति महोदय द्वारा। दोस्तों इसके अलावा 311 जो है वो इस बात की तस्दीक करता है कि किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उसको सुना जाना जरूरी है, उसको लीगल नोटिस या उसको शो कॉज नोटिस भी देना जरूरी है और उसकी बात को सुना जाए, यानी उसकी बात सुनने के बाद में ही कोई तरह का डिसीजन लिया जाए उसको हटाने या ना हटाने का। दूसरा सिद्धांत एक और है दोस्तों कि जो व्यक्ति नियुक्त करता है, जिस पोस्ट पे नियुक्त करने वाले की जो पोस्ट होती है उससे नीचे की पोस्ट वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं हटा सकता। यानी कि जो आदमी किसी को रिक्रूट कर रखा है उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट से नीचे की पोस्ट वाला व्यक्ति किसी को नहीं हटा सकता, उसके लिए उस बराबरी की पोस्ट वाला व्यक्ति ही होगा जो उसको हटाएगा। और तीसरा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट के अधिकारों का हनन हो रहा है तो दोस्तों उस व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता। फंडामेंटल राइट जो है उसके मूल अधिकार हैं और उसके तहत ही उसे हटाया जा सकता है, उसके बाहर उसको नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरह से दोस्तों भारत में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सिद्धांत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। यहाँ पे आर्टिकल 311 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, एक्सेप्शंस हैं जिसके तहत में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू भारत में नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों अगर 311 के आर्टिकल का किसी भी तरह से वायलेशन हो रहा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो सिद्धांत है इंडिया में इलीगल माना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।